की भीड़ जा रही है, सर ही सर दिख रहे हैं मुझे। आरती खत्म हुई होगी ना? कथा बहुत बढ़िया सुना रहे हैं कुमार विश्वास जी, बिल्कुल तत्व ज्ञान जैसी है। साढ़े नौ बजे हैं, आज भी काम वाले की वेट कर रही हूँ, देखते हैं आती कि नहीं आती है। कढ़ाई को ना साफ करना पड़ेगा, लोहे की कढ़ाई है ना तो जंग सा लग जाता है। ये अंडे नहीं खाएगी दोपहर में ना, पुलाव बनाऊंगी, पुलाव खा लेगी अभी कुछ। अच्छा मैं ना सत्तू नहीं पीऊंगी आज, पता भगवान जी ना ऐसे फिरकी लेते रहते हैं मेरे साथ। शरीर तो मांग रहा है कि गर्मी हो रही है तो ठंडी चीज़ मांग रहा है, घुटना जो है उसमें लिगामेंट में स्ट्रेच हो रहा है तो वो मांग रहा है गर्म, वो गर्म चीज़ मांग रहा है। शरीर ठंडी मांग रहा है, घुटना गर्म चीज़ मांग रहा है, तो ऐसे भगवान जी फिरकी ले रहे हैं मेरे साथ। मैं आज मैंने डिसाइड किया है, मेरे को दिमाग में आया कि तू सत्तू मत पी और देख, क्योंकि जब से मैंने सत्तू पीना स्टार्ट किया ना मेरे घुटने में इसमें ना प्रॉब्लम आ गई है। ये ना पहले के चावल बचे हुए थे तो मैंने नीचे वाले में डाले नए चावल और ऊपर डाले ये पुराने चावल, तो पहले इनको यूज़ करेंगे, बीच में पन्नी लगा दी, अब बनाऊंगी पुलाव। आज ना 3 दिन के लिए, मैंने कल भी बताया था लेकिन मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि काम ज़्यादा हो गया था। आज 41 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है अभी दिन में, मतलब 2-3 दिन ऐसे ही रहेगा, 40-41-40 चाय पी रही हूँ। और क्या करें, तो पीने से पैर में दर्द नहीं हुआ, हवा लगती है तो पैर में दर्द होता है। हैं, और तो आज जाऊंगी शाम को वहाँ पे, पर मैंने सुना है कि उनकी कोई भी वीडियो अगर छोटी सी भी क्लिप कोई बिना वॉइस के डालते तो ठीक है, लेकिन अगर डालते हैं तो कॉपीराइट तुरंत भेज देते हैं वो। मैंने कैलाश खेर के बारे में भी मैंने मतलब उनके सुना क्या था, उनका तो मैंने नोटिस किया है कि मैं उनकी वीडियोज़ अगर डालती हूँ ना, जैसे मैंने डाली है उनकी वीडियो, तो कोई कॉपीराइट नहीं आता है कैलाश खेर के भजनों पे। तो इतना पैसा लेते हैं कुमार जी। तो अगर किसी ने कभी कभार एक क्लिप कोई डाल दी तो इतना होना नहीं चाहिए पैसे का, कह रहे हैं कि वो डिलीट ही करवा देते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉपीराइट भेजते हैं, वो डिलीट करवा देते हैं उस क्लिप को। आज मैंने वो दिया को डांटा है, इतना एसी चला रही है, इतना एसी चला रही है, बिल आए तो बात अलग है, लेकिन कम से कम गर्मी को सहन करने की आदत तो हो। मैंने डांटा है सुबह सुबह, रात को बहुत जल्दी चला के बैठ जाती है, सुबह यहाँ पे ना इस पे पसर जाएगी और एसी चला देगी। अब चलाया मैंने चाय पीने के टाइम पे, लेकिन पूरे दिन एसी, और डांटा है तो अपने कमरे में भाग ही दरवाज़ा बंद कर, डांटना ज़रूरी है। हर चीज़ की आदत होनी चाहिए कि कब क्या समय पर चलना चाहिए, 24 घंटे नहीं चलना चाहिए। आजकल इतने ब्लास्ट हो रहे हैं एसी बहुत ज़्यादा। दिया को बिना हल्दी वाले चावल पसंद है पुलाव, तो मैंने बिना हल्दी वाले बनाए हैं, खाली प्याज टमाटर और मटर डाल के। इसका ना तारक मेहता बड़ा जल्दी चलता है, जब मैं शादी होकर आई थी ना तो नमकीन खाना मैंने चावल के ऊपर शर्मा जी के घर से सीखा है, चावल में, दाल चावल में, कढ़ी में, पुलाव में, सब में ऊपर से नमकीन डालते हैं ऐसे। ये लो आपके मुंह में भी चावल गया, तो इसी के साथ राम राम जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी शाम को साड़ी पहनने का विचार आ रहा है नहीं आ रहा है, कथा में तो जाना ही है, तो देखते हैं बाद में क्या निकलता है कि कॉटन की साड़ी पहन लें और चले जाए, लास्ट मोमेंट में पता चलेगा। अभी स्कूटर भी सर्विस के लिए गया है, वो भी आने वाला है। मैंने साड़ी पहन ली और सच में साड़ी पहन के कम गर्मी लग रही है, 7:45 ज़्यादा हो गए हैं, 7:50। तो अभी जाती हूँ त्रिवेणी घाट की साइड, त्रिवेणी घाट ही हो रहा है, बीच में मार्केट में भी कुछ काम है। 7:30 बजे शुरू है अपने अपने राम, अपने अपने राम। राम कथा हो रही है तो देखते हैं सुनते हैं। मेरा स्कूटर भी सर्विस होके आ गया है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बच्चे सही हैं अपने, गर्मी और सर्दी इनको ठीक लगता है। प्रणाम प्रणाम। चमक गया है, जितना पुराना हो रहा है ना
उतनी सर्विस महंगी होती जा रही है। ठीक है, पर हम क्या कर सकते हैं। इसका ना ये गोप्रो का माउंट लगा हुआ था तो ये निकल गया था, ये वाला पीस मंगवाया है। अरे आज तो बड़ी कम भीड़ है, कहाँ गए सारे टूरिस्ट? एक वीडियो का असर हो गया कि काय को आते हो इधर, मसूरी चले जाओ, मनाली चले जाओ, आगे भीड़ है। आगे आगे ना बीच बीच में कट है तो नैरो रोड हो रही है, वहाँ पे जाम लगा मिलता है। अभी मेरी गलती थी, ये नए नए ब्रेक लगे हैं ना, इनका आइडिया नहीं है, और मैं जाके मार दी इसमें रिक्शा वाले में। वो पुरानी आदत है ना, वो एकदम से हल्के से लगते हैं। बाप रे, आज मैं भी पापा की परी बन जाती। नहीं, में मुझे लगता है कि साड़ी में मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन साड़ी में अच्छा लगता है ये गर्मी में, अगर कॉटन की साड़ी हो तो। असल में ना इधर हमारी साइड, जिस साइड से मैं जा रही हूँ, दो तरफ से ऑटो चल रहे हैं। सिंगल सिंगल चलते तो जाम नहीं लगता, ऑटो वालों ने अति कर रखी है। ऑटो वाले बहुत अति करते हैं यहाँ पे, तो ये सब ये लगी हुई है ना, इनकी वजह से ही बहुत भीड़ रहती है। जब यात्रा ख़त्म हो जाएगी तब ये हट जाएंगे लोग। आज क्या है, आज बड़ा रश है, ऊपर से आया होगा या तो कोई ग्रुप। और बच्चा कह रहा आंटी ब्लॉग बना रही है, मैंने कहा आंटी ब्लॉग नहीं बना सकती है। अब थोड़ा खुला मिला है, मैं कहूँ ऋषिकेश में भीड़ नहीं है, गुरुद्वारे में आज कुछ है तो उसी वजह से रश है आज। मैंने भी नोट नहीं किया कि क्या है आज। कल ही तो आई थी इधर, बार बार मिल जाता है आने का मौका ना। इधर से कुमार विश्वास जाएंगे तो यहाँ पुलिस खड़ी है, यहाँ से गाड़ी आ जाती है ना, इसलिए ये निर्मल आश्रम की तरफ से जा रहे हैं। ये आदमी लोग ना इतना गंदा स्कूटर चलाते हैं, भगवान कसम, ये दो लेडीज़ को बदनाम करते हैं। और मैंने अपनी एक गलती थी मैंने मान ली, अब एक ने तो ऐसी चढ़ाई थी कि ना इस पे दूसरे की उस पे चढ़ा दी थी, और हंस रहा था लड़की ने डांटा उसको। कुमार विश्वास जी की वजह से अलाउड नहीं है उधर से, अभी उनका आने का टाइम हो रहा होगा ना। ओह अच्छा, ये इधर आ गया। थोड़ा सा आगे आ गया त्रिवेणी घाट से, ये देखिए ये यहाँ उतर गए। ये भी ठीक है, नॉट बैड। इन गलियों में ना जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र के पोस्टर लगे हैं, और मैं बच्चों को भी देख रही थी नशे करते हुए। हमारी कथा ना उधर है त्रिवेणी घाट के वहाँ पे। वॉक करके आ सकती थी, लेकिन क्या था कि प्रोग्राम लेट है, 7:30 बजे से है। अगर 6 बजे से 6:30 बजे से आती तो 7:30-8 बजे तक वापस चले जाते, फिर वापस जाने का पंगा हो जाता है, और दिया पर इरिटेट होती है फिर लाने ले जाने में। अभी दिया और शिवांगी ने त्रिवेणी घाट दिखाया ही था थोड़े दिनों पहले ना। ये इधर पंडाल लगना, मुझे लग रहा है कि मुझे मार्केट की तरफ से रहेगा ना आना, वही ठीक रहेगा और वही सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रात को अंधेरे में जाऊँगी तो ठीक नहीं है। पहली बार देखा है ना वाला एरिया, मैं अभी से गली बोल रही हूँ तो रात को ही भूल जाती अंधेरे में। ये तो नहीं है, दुकान नहीं थी वो वाली है। ये गलियाँ तो ऋषिकेश की मैं भी अभी देख रही हूँ, बस यहाँ इस वाली यहाँ तक गाड़ी आ सकती है ना। उस वाले में पुलिस खड़े हैं, अब वो जाने नहीं दे रहे हैं, क्या करें भैया। अगर यहाँ भी स्कूटर अलाउड नहीं होगा तो क्या होगा मेरा, तो कहते हैं ना तो क्या तेरा क्या होगा कालिया। कितनी भीड़ जा रही है, सर ही सर दिख रहे हैं मुझे। आरती ख़त्म हुई होगी ना, बाप रे बाप, आरती ख़त्म हुई होगी। कुमार विश्वास जी को तो सुनने के लिए उनके कार्ड होने चाहिए, तो ज़्यादातर लोकल ही जाएंगे।
ये पुलिस स्टेशन देखते ही मेरा ना खून फूकता है जी। इनको कर्मों की सजा कब मिलेगी? जब ये गलत काम करते हैं तो अपराधियों को पकड़ते नहीं है तो उनसे पैसे खा लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे ना कैमरा अंदर रख के जाना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। कथा बहुत बढ़िया सुना रहे हैं कुमार विश्वास जी, बिल्कुल तत्वज्ञान जैसी है। लेकिन क्या है कि मेरे को लगा था कि 9 बजे तक होगी, 9:30 बजे तक, 11 बजे तक चलेगी, बहुत लेट हो जाएगा। दिया भी अकेली है घर में, यहाँ मार्केट लेट तक खुली है, नहीं तो 9 बजे से पहले बंद हो जाती है यहाँ मार्केट। आज एक कथा चल रही है ना तो अभी भीड़ बहुत है तो लोगों ने काफ़ी तरह ज़्यादातर मार्केट खुली हुई है। इतना जाम है, स्पेशली खाने वाली दुकानों पे तो बहुत रश है, दिल्ली जैसा हाल हो रखा है। ये तो हो सकता है गर्मी की वजह से ना मार्केट अब देर तक खुलती हो, बीच में ज़्यादा देर तक बंद रखते हो। दोपहर में ये लोग बंद रखते हैं ना यहाँ पे दुकानें, तो रेस्ट करने चले जाते होंगे। कुमार विश्वास जी ना भजन ज़्यादा गा रहे थे, बीच बीच में सुना तो बहुत अच्छा रहे थे, लेकिन राम कथा नहीं थी, जैसे तत्व ज्ञान होता है ना वो उसी तरीके से सुना रहे थे, लेकिन कथा में भजन ज़्यादा थे। कह भी रहे थे कि कथा नहीं है, मेन जो कैरेक्टर हैं जैसे राम जी का, लक्ष्मण जी का, इनके बारे में वैसे बता रहे थे कि अगर ऐसे रहेंगे परिवार में, माताएं ऐसे बन के रहेंगी फिर वैसे, तो उस तरीके से उन्होंने बताया। कथा बहुत अच्छी कहते हैं बट भजन भी ज़्यादा थे। उन्होंने भी सेम प्रश्नोत्तरी जैसे यंगस्टर बच्चों ने प्रश्न किए थे कि अवतार तो बहुत सारे हुए पर राम जी से लेके कृष्ण जी का अवतार, राम जी और कृष्ण का अवतार इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? तो उन्होंने अपने तरीके से उत्तर दिया था, वो आप उनकी कथा में देख लीजिएगा। पुलिस वाले बेचारे रात को भी सही ड्यूटी दे रहे हैं क्योंकि रात को ऋषिकेश में, खैर मैं तो पहली बार निकली हूँ गर्मियों के इसमें, पहले तो निकलते रहते थे रात को काम करते थे, इतना लेट पहली बार निकल रही हूँ। देखो ये कहाँ से आ रहा है, सीधे सीधे रास्तों से चल ही नहीं रहे लोग। हाँ रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, एक के पीछे एक लगा लेते, घरे वीडियो वायरल करो। देखो बीच में लगा के, कौन सा नंबर है ये? यूपी नंबर है, देखिए लाइन से नहीं चल रहे बिल्कुल बीच में, और अपने पीछे सारी गाड़ियाँ लगा ली है, फिर अकड़ रहे हैं और ऊपर से एक रोंग गाड़ी ले लेती है तो उसमें सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। देखो एक तो वो बसें जा रही थी उधर ना, आश्रम है नीचे की साइड ना, स्वामीनारायण और ये क्या कहते हैं दयानंद आश्रम, तो इनकी बसें जाती हैं यहाँ पे, तो बसें जगह वो घेर लेती हैं, बची कुची गाड़ी वाले तो सोचते हैं कि हम निकाल लेंगे तो इसलिए वो रोंग साइड से वो कर लेते हैं। अब पुलिस एक हर कोने पर तो नहीं खड़ी हो सकती ना, हर पॉइंट पे खड़ी है पुलिस वाले क्या करें। मुझे लग रहा है यहाँ से भी ना बसें हेमकुंड साहिब से आ रही हैं, देखिए देखिए लेडीज बदनाम है, देखिए कितना आराम से चला रहे हैं भाई साहब। रात होते होते ना अच्छा मौसम हो जाता है, भीड़ होने के बाद भी बाहर मौसम ठीक है, दिन में 41 डिग्री टेम्परेचर था, शाम को 27 है, तो 27 में पहले एसी चलता था तो 27 ठीक ठाक है। गर्मी के मारे ऋषिकेश में हाल बेहाल है, गंगा जी किनारे थोड़ी सी शांति लग रही थी, और यहाँ घरों में तो बहुत गर्मी है क्योंकि सब कंक्रीट के हुए हैं। और आज कुमार विश्वास को सुन के, हालांकि बहुत पीछे बैठे थे फिर आगे चले गए, ऐसे ही पास तो थे ही हमारे पास, और पर जो कथा थी ना राम कथा के ऊपर नहीं थी, मेन कथा अलग 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 कैरेक्टर के ऊपर जो थे उनको वो कर रहे थे और तत्व से ही बता रहे थे वो भी, तभी अच्छा भी लग रहा था कुछ को सुनने में, लेकिन भजन ज़्यादा थे उनके में। सुन लीजिए आप भी, बहुत सारे लोग नहीं सुनते हैं कि वो पहले कवि के उसमें सुनते थे अब कथा सुनाते हैं,
तो कथा में भी सुन लेनी चाहिए क्योंकि उनको ज्ञान बहुत है। अभी उन्होंने खुद ही बोला कि मैं अहंकार कम कर रहा हूँ, अपना बहुत कम हो चुका है पर अभी भी बहुत बाकी है, तो सबके सामने अपना स्वीकार कर रहे हैं। और ऋषिकेश में पता नहीं आज क्या था, उस इस वाले रोड पे इतना जाम था, रात को 11 बजे तक अब भीड़ रहने लगी है। और वो तो शुक्र है कि हमारा फ्लैट बीच की साइड में है तो इसीलिए हमें आवाज़ नहीं आती। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, ऐसे ही आसपास में कुछ छोटा मोटा अगर मैं टाइम पे पहुंच गई तो, मेरा मन किया तो देखने का, तो मैं आपको दिखा दिया करूंगी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।